ही वधिया स्थान रहा उनकी लाइफ दे विच भाई कान सिंह नाभा ने बेबे नानकी नूं पहली गुरसिख कहा है। दूजे पातशाही दे समय गुरु अंगद देव जी की महल बीबी खीवी जी ने भी गुरु नानक देव जी चलाई हुई लंगर की परंपरा अगे तोरिया ते धर्म प्रचार विच बहुत वड्डा हिस्सा पाया। 16वीं सदी विच जदों औरतां नूं घरों बाहर निकलण दा आग्या नहीं सी, उन्हां नूं सिर्फ पर्दे विच घर दे अंदर रखिया जांदा सी, उस समय माता खीवी जी ने घर तों बाहर निकल के लंगर की सेवा कीती ते धर्म प्रचार विच हिस्सा पाया। तीजी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी के समय जदों धर्म प्रचार लई 22 मंजियां की स्थापना की गई, उस समय भी बीबी अमरो उन्हां विचों एक मंजी सौंपी गई, जिसका बीबी अमरो ने बहुत ही वधिया सेवा निभाई ते एक गुके धर्म प्रचार वजों सामने आए। गुरु अमरदास जी ने परदा प्रथा ते सती प्रथा का विरोध किया ते बीबियां नूं धर्म प्रचार की सेवा विच अगे लियाए। माता गुजरी की गल करिए तो उन्हां दी निडरता हौसला ते सिखियावां सदका ही साहिबजादियां दी लसानी शहीदी दा जन्म होया। उन्होंने बंदा बहादुर दी विच वीरता जगाई जिस सदका खालसा राज स्थापित होया। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जदों खालसा पंथ की स्थापना की सी, उस समय माता साहिब कौर नूं पाटे विच पतासे पवा के अते उन्हां नूं बराबर अमृत छका के भी औरत अते मर्द दी बराबरता दा सबूत दिता। गुरु जी दे जान तों पिछों माता सुंदरी जी ने गुरु जी दीआं हथ लिखतां नूं इकट्ठा कीता ते उन्हां नूं छपवाया ते समय समय ते 40 फरमान भी कौम लई दिते जो जिस नूं सिख कौम ने बखूबी स्वीकारिया। विश्व दे इतिहास विच पहली वार अजिहा होया है कि इसतरी पुरख विच बराबरता रखने लई दोवां दे विकार पवाए गए। सिख इतिहास विच किते वी अजिहा नहीं होया कि इसतरी नूं पुरख नालों घट समझिया गया होवे, सगों जदों भी लोड़ पई है बीबियां अपना अहम रोल अदा करदियां हन। गुरबाणी विच तां औरत नूं 32 सुलक्खणी कह के सतकारिया गया है। गुरु नानक देव जी ने आशा दी वार विच कहा है कि इस जग में पुरश एक है होर सगली नार सबाई, भाव के एक परमात्मा ही पुरश है ते होर सब अजीव आत्मा रूपी इस्त्रियां हन। गुरु नानक देव जी ने औरत नूं बहुत ही वड्डा स्थान दिता है ते उन्होंने कहा है कि सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मै रजान। जदों सिख धर्म विच औरत नूं इन्ना उच्चा स्थान दिता गया है तो सानू अपने इतिहास तो सिक्ख्या लैण दी लोड़ है, अपने फर्जां नूं पहचानदे होए अपनियां आउण वालियां पीढ़ियां विच सिक्खी जज्बे नूं भरन दी लोड़ है ते तां कि रहिंदी दुनिया तक खालसा राज दे जगारे गूंजदे रहिण।